सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। आज हम लोग पास Realme 5 है और हम लोग इसको करेंगे आज अनबॉक्सिंग रिव्यू और देखेंगे इसका कैमरा कितना अच्छा है और इसका वीडियो कितना अच्छा ले पा रहा है, इसका गेम कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसका लुक वाइज कैसा है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका वेट कितना है, हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, गेमिंग कैमरा सारा चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आप लोग Realme 5 का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए और पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो ये हम लोग पास आ गए Realme 5 और इसमें बहुत ही कमाल का दो फीचर्स है जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, जो कि 5000 mAh का बैटरी क्वाड कैमरा मिल जा रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप लोगों सामने से कुछ इस टाइप का लुक है, यहाँ पे Realme 5 लिखा गया है, पीछे में आप लोग को कलर दिया गया है, ये पर्पल कलर का है फोन का, यहाँ पे सारा चीज दिया गया है और आप लोग को कुछ कुछ फीचर्स वगैरह दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग Realme 5 और इस तरफ में आप लोग दिया गया है कि कितना कैमरा सब है, तो आप लोग चार कैमरा है जो कि 12 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP और फ्रंट है आप लोगों का 13 MP का। स्क्रीन साइज दे दिया गया है 6.5 इंच का और बाकी सारा फीचर्स यहाँ पे दिया गया, आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसको कट करते हैं और फोन को बाहर निकालते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग पास आ गया फोन और इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं ये बॉक्स और देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया गया है। इस बॉक्स में आप लोग दे दिया गया एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस और ये अच्छी बात है कि हल्का ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है, तो ये आप लोग को काफी अच्छा लगेगा जो पूरा ट्रांसपेरेंट एंड व्हाइट कलर में देता है उसमें आप लोगों का ये कवर तो कुछ दिन के बाद येलोइश हो जाता है और ब्लैक जो देता है वो सही लगता है क्योंकि इसमें येलोइश या पीलापन तो नहीं आता है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को पेपर वर्क दे दिया गया है और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, तो हम लोग रखते हैं सब चीज को साइड में। ये आ गया हम लोग का स्मार्टफोन और इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को चार्जर मिल जा रहा है और हम लोग चार्जर का रेटिंग देख लेते हैं कितना दिया गया है। ये देख लेते हैं 5V 2A यानी कि 10W का चार्जर है और ये बहुत ही घटिया काम किया है कि 5000 mAh का बैटरी दिया है और 10W का चार्जर, तो फास्ट चार्जर देता तो अच्छा रहता क्योंकि 5000 mAh का बैटरी 10W से चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, आप लोगों को मिनिमम 3 to 4 hours ले लेगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो ये अच्छा नहीं है। 18W का चार्जर कम से कम देना चाहिए था। और नेक्स्ट निकाल लेते देखते हैं ये आप लोगों को माइक्रो यूएसबी दिया है या टाइप सी दिया है। ये रहा हम लोग का माइक्रो यूएसबी केबल, तो टाइप सी भी नहीं दिया है, तो यानी कि आप लोग बैटरी तो अच्छा दे दिया है, अडेप्टर और केबल उस लेवल का नहीं दिया है जो आप लोग फास्ट चार्जिंग कर सके, तो ये मेरा एक मेजर डिसएडवांटेज है कि आप लोग जो 5000 mAh का बैटरी दिए हैं तो कम से कम 18W का अडेप्टर दीजिए और टाइप सी का केबल दीजिए ताकि हम लोग फास्ट चार्ज कर पाए, क्योंकि 5000 mAh का बैटरी माने टाइम बहुत लेगा चार्ज करने में ये सब केबल से और इस अडेप्टर से, तो ये मेरे को मेजर डिसएडवांटेज अभी लग रहा है। और देखते हैं क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, फोन को ऑन करते हैं और देखते हैं सारा चीज। और बॉक्स में हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है सिम इजेक्टर टूल, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये मिल गया आप लोग सिम इजेक्टर टूल, तो हम लोग सिम निकालेंगे और देख लेंगे हाइब्रिड है क्या है, हम लोग सब कुछ रखते हैं साइड में, फोन पे आते हैं। और ये देखिए फोन का क्या लुक लग रहा है, पीछे में देखिएगा तो आप लोग जो पर्पल कलर में लग रहा है ना सुंदर ऑसम लग रहा है, आप लोग कैमरा में देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे चार कैमरा का सेटअप है, एलईडी फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और पर्पल कलर तो ऑसम लग ही रहा है, देख सकते हैं डायमंड कट दिया गया है और जो कि काफी सुंदर लग रहा है। बाकी पोर्ट्स वगैरह में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं इसको ऑन कर लेते हैं। और एक कमाल की बात हम लोग बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन गार्ड आप लोगों को एक लगा के दिया है और स्क्रीन गार्ड तो जो लगा के दिया है वो एकदम प्लेन दिया है, यानी कि आप लोग कुछ लिख के या कुछ नहीं, तो आप लोग कम से कम 1-2 महीना आदि स्क्रीन गार्ड से यूज करना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं, बेटर प्रोटेक्शन के लिए ग्लास भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पोर्ट्स वगैरह देखते हैं क्या है, तब तक के लिए ये ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोर्ट्स में, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी का पॉइंट, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, 3.5 mm का जैक, यहाँ पे मिल जा रहा है वॉल्यूम रॉकर, यहाँ पे सिम कार्ड जाने की जगह है और इस साइड में आप लोग मिल जा रहा है पावर बटन और पीछे में तो मैं बात कर ही लिया हूँ, चार कैमरा, एलईडी फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पे मिल जा रहा है रियलमी का ब्रांडिंग, यहाँ पे आ गया सेल्फी कैमरा, फिर आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में है स्पीकर,
तो ये आप लोग आ गया, चलिए हम लोग इसको जल्दी से ऑन करते हैं फिर आप लोग सामने आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फोन ऑन हो गया और देख सकते हैं बटरी स्मूथ फोन चल रहा है, काफी स्मूथ फोन चल रहा है। तो आप लोग सारा चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है फोन चलाने में। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्री लोडेड ऐप दे दिया गया, तो हम लोग देखते हैं कि उसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन है, तो हम लोग इस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ प्री लोडेड ऐप जो भी दिया गया पेटीएम वगैरह उसको आदि आप लोग नहीं चाहिए तो आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी आप लोग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग के अंदर हम चले जाते हैं यहाँ पे अबाउट फोन के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग कलर वर्जन जो मिला है वो 6.0 का मिल गया है, यहाँ पे 6.0 और एंड्रॉयड 9 मिल गया है क्योंकि पाई है, तो आप लोगों को ये मिल जा रहा है। और हम लोग फीचर्स सब के बारे में इन डिटेल्स बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिल जा रहा है तो 5000 mAh का बैटरी मिल जा रहा है, क्वाड कैमरा मिल जा रहा है, और इसमें आप लोग क्वाड कैमरा के साथ अल्ट्रा वाइड वाइड एंगल फोटो ले सकते हैं जिसके बारे में मैं बात भी कर लूँगा। प्रोसेसर है 2 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर जो कि 11 nm पे बना गया है, 6.5 inch का HD+ डिस्प्ले है विथ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और पीछे में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जा रहा है, स्प्लैश प्रूफ है, कलर OS 6 है जो कि हम लोग दिखा भी दिए थे, और हम लोग पास जो वेरिएंट है वो 4GB 128GB वाला पर्पल कलर वाला वेरिएंट है, तो ये मैक्सिमम वाला वेरिएंट है, 128GB वाला वेरिएंट है। इससे कम 32GB का वेरिएंट मिलता है, 64GB का वेरिएंट मिलता है, तो आप लोग उसको भी परचेस करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेस कर सकते हैं। इसको मेरे को परचेस करने के लिए ऑलमोस्ट 11,000 लगा है, 10,999 rupees, प्लस मेरे पास 10% का डिस्काउंट हो गया क्योंकि मैं पैसा वापस जिंगवाई वगैरह से मैं 10% के डिस्काउंट में GB परचेस करके रखा था, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पड़ा आफ्टर GB डिस्काउंट। तो आप लोग परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप कैमरा टेस्ट देखते हैं और फिर गेमिंग टेस्ट देखेंगे, वेट कितना है ये पहले हम लोग जान लेते हैं और सारी चीज़ के बारे में जानते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना फास्ट खुल रहा है, तो हम लोग क्लिक किए और ये खुल गया, क्लिक कर दिया खुल गया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो आप लोग अच्छा खासा फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट मिल जा रहा है, तो इसके लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं फेस अनलॉक कितना फास्ट है, तो ये देखिए खुल जा रहा है, तुरंत खुल जा रहा है, आराम से खुल गया, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुरंत खुल जा रहा है। तो हम लोग आप चेक कर लेते हैं इसका वेट कितना है, ये है 202 ग्राम का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप बैक कवर लगाते हैं और देखते हैं बैक कवर के साथ कितना वेट आता है। देख सकते हैं हम लोग कवर लगा लिए हैं और कवर के साथ कुछ इस टाइप का आप लोग लग रहा है, हल्का ब्लैक टिंट के साथ, हालांकि आप लोग कलर तो थोड़ा डिम हो जा रहा है, जो आप लोगों को पर्पल लग रहा था सुंदर वो हल्का डिम हो गया, लेकिन आप लोगों का प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वेट देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 225 ग्राम, और हम लोग का आया था खाली फ़ोन का वेट 203 या 202, ऐसा है रैंडम चेंज हो रहा था, यानी 22-23 ग्राम है हम लोग का केस का वेट। इस फोन में आप लोगों को डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिल जा रहा है, कैमरा में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट है, और फोटो मोड में आप लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते थे, अल्ट्रा वाइड है ये, अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे आप लोग चले जाएगा तो नाइट मोड है, पैनो है, फिर आप लोग टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है, अल्ट्रा माइक्रो है, यानी छोटा कुछ पिक्चर लेना है तो अल्ट्रा माइक्रो यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट सारा आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ सैंपल क्लिक करेंगे और उसको दिखाएंगे, और सेल्फी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग दिया गया है। सेल्फी में फोटो है, पोर्ट्रेट है, और आप लोगों यहाँ पे वीडियो है, और सेल्फी में आप लोगों को खाली पैनो और टाइम लैप्स मिल जा रहा है। तो चलिए हम लोग सैंपल लेते हैं और आप लोगों के सामने दिखाते हैं। इस पिक्चर को सेल्फी मोड में क्लिक कर लिया गया है, काफ़ी क्लीन पिक्चर ले लिया गया है, ये भी सेल्फी मोड पे क्लिक किया गया है, ये सेल्फी मोड विथ बोके इफेक्ट क्लिक किया गया है, तो काफ़ी अच्छा सा बोके इफेक्ट डाल दिया गया है, ये भी बोके इफेक्ट के साथ सेल्फी मोड में। ये है आप लोग का 0.6x पे, ये 1x पे, और ये वाला 2x पे क्लिक किया गया है। ये पिक्चर तो मेन कैमरा से बोके इफेक्ट के साथ, ये अल्ट्रा वाइड पे क्लिक किया गया है, और ये वाइड एंगल पे क्लिक किया गया है, ये माइक्रो शॉट लिया गया माइक्रो लेंस से, और ये भी माइक्रो शॉट लिया गया माइक्रो लेंस से। और इस फोन में अच्छी बात क्या है कि आप लोग स्लो मोशन वीडियो भी निकाल सकते हैं, तो ये देख सकते हैं हम लोग स्लो मोशन वीडियो निकाले हैं, तो आप लोग 960fps का स्लो मोशन वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, तो काफ़ी स्मूथ एंड स्टडी और स्लो मोशन में वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रनिंग शॉट है स्लो मोशन में, अल्टीट्यूड बेंचमार्क में देखिएगा तो 166,000 आया है। यहाँ पे CPU GPU को इंडिविजुअल आप लोग चेक कर सकते हैं, तो अल्टीट्यूड बेंचमार्क 160,000 के करीब आ रहा है। हीटिंग हम लोग गेम खेलने से पहले चेक कर लेते हैं, 30 डिग्री है,
और पबजी आप लोग लो सेटिंग में खेल पाइएगा, हाई सेटिंग या मीडियम सेटिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर हम लोग खेल रहे हैं पबजी, और पबजी कहीं लैग हैंग वगैरह देखने मिलता है कि नहीं तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं खेल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है, मैं एक मैच पूरा खेल रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने या लैग देखने नहीं मिला है। तो बड़ा ही स्मूथ में चल रहा है, लेकिन आप लोग लो सेटिंग में खेल पाइएगा, मीडियम या हाई सेटिंग यानी कि हाई ग्राफिक्स में आप लोग नहीं खेल सकते हैं। लो ग्राफिक्स में काफ़ी स्मूथ चल रहा है तो आप लोग लो ग्राफिक्स में ही खेलना पड़ेगा। चलिए हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी या एस्पॉल्ट भी खेल के देखते हैं वो कैसा चल रहा है। तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी चालू कर लिया है, अब यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी हम लोग खेलते हैं, और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी कोई भी लैग हैंग या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ खेलते समय, तो आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखते हम लोग एस्पॉल्ट भी चालू कर लिए, और एस्पॉल्ट भी गेम खेलते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से एस्पॉल्ट गेम भी खेल सकते हैं विथ मोशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग एस्पॉल्ट भी खेल लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और गेम खेलने के बाद देख सकते हैं हम लोग 4-5% टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो थोड़ा हीटिंग हो सकता है। इस फोन का हम लोग अनबॉक्सिंग किए, रिव्यू किए, कैमरा टेस्ट किए और गेमिंग टेस्ट किए, सारा चीज़ हम लोग को सारा अच्छा लगा। थोड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगा वो लगा मुझे चार्जर से रिलेटेड, एडाप्टर भी 10 वाट का दिया है और टाइप सी का केबल भी नहीं दिया है, और बाकी सब इसका बहुत ही अच्छा है। आप लोग 10,000 के नीचे में मिल जाता है बेस वेरियंट, तो 8999 में मिल जाएगा आप लोगों को बेस वेरियंट, यानी 9,000 में मिल जाएगा, और इसका दाम है 11,000 क्योंकि मैं मैक्सिमम वेरियंट हो लिया हूँ 4GB 128GB वाला, तो बेस वेरियंट आप लोगों को 9,000 में मिल जाएगा। और 9,000 में आप लोगों को 4 कैमरा मिल जा रहा है, प्रोसेसर अच्छा है, आप लोग गेम अच्छा से परफॉर्म कर दे रहा है, 5000mAh का बैटरी दे रहा है, तो आप लोगों को लेना चाहिए। तो मेरे तरफ से बिग थम्स अप है, आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम है कि कंपनी वाले चार्जर पे थोड़ा खर्चा कर देते, चार्जर थोड़ा अच्छा देते, क्योंकि 5000mAh का बैटरी है तो फास्ट चार्ज करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि 4000 से ज़्यादा जो भी फोन आ रहा है टाइप सी का केबल देना चाहिए और 18W का चार्जर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर एक कंपनी को करना चाहिए, 4000mAh का बैटरी ज्यादा है तो टाइप सी का केबल एंड मिनिमम 18W का चार्जर देना ही चाहिए कंपनी वालों के लोग को, क्यों नहीं देते हैं मुझे नहीं पता। और इसका सेल्फी भी अच्छा उठा लेता है, ओवरऑल फोन अच्छा है, थोड़ा बहुत माइनर प्रॉब्लम है, कोई LED आप लोगों को इंडिकेटर नहीं है यानी कि नोटिफिकेशन इंडिकेटर नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है, बाकी सब ओवरऑल फोन बहुत ही अच्छा है। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, मेरे तब से बिग थम्स अप है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो अनबॉक्सिंग दिखाया, रिव्यू दिखाया, कैमरा टेस्ट दिखाया, गेमिंग टेस्ट दिखाया, सारा कुछ पसंद आ गया हो, तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग को ये फोन कैसा लगा और आप लोग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, और ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या 10W का चार्जर जो एडाप्टर दिया है ये अच्छा किया या कंपनी को 18W मिनिमम देना चाहिए था, लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अलग अलग फ्रेंड्स के साथ जो लोग इसी टाइप का जेन्यून अनबॉक्सिंग देना चाहते हैं, जेन्यून रिव्यू जानना चाहते हैं। बहुत लोग स्पॉन्सर आते हैं लेकिन हम लोग सारा परचेस करके लिए आप लोग के लिए लाते हैं, तो ऐसा जेन्यून अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज के वीडियो के लिए तक आप बप्पा टाटा एमएलसी के एपिसोड में कुछ नया ऑफर अनबॉक्सिंग लेके, तब तक के लिए याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।